हेलो फ्रेंड्स, फोकस ऑन स्टडी विद ईश्वर में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट थ्री। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? यह है न्याय का प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। इजी क्वेश्चन था। संपूर्ण राष्ट्रीय गान का वाद या काल कितना है? गायन काल कितना है? 52 सेकेंड। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें नया राज्य बनाया जाता है। नया राज्य गठन करने की शक्ति निहित है किसको? संसद को। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा अन्य राज्यों को स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो इस किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद का अनुसार भारत क्या है? राज्य का संघ है। ठीक है, राज्य का संघ है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही क्या है? तो ये जान लेते हैं। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। इसके क्षेत्र सीमाएं या नाम का इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाली विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। किसमें? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसका? राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब कथन और कारण दिए गए हैं। ये बोलता है कि भारत संघ नहीं है, और आर बोलता है जो कारण है वो बोलता है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। जो ये ए है ये क्या है? ये गलत है। भारत संघ नहीं है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, और जो बी है, जो आर बोल रहा है कारण, वो सही है। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। किसी राज्य का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके। 3 चीज़ें हैं, या तो क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, या घटा सकते हैं, या किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं। ये संविधान में क्या दिया गया? उपबंध दिए गए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि भारत जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या कहा गया है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सेकंड है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार की विविधता दी थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? ये 1952 में बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन की भाषा के आधार के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, यदि भारतीय संघ में एक नज़र नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होता है। किसमें? प्रथम अनुसूची को। अब केंद्र शासित प्रदेशों के कितनी संख्या है एट प्रेजेंट? 7 है। ठीक है, भारत के संघ शासित प्रदेश है 7 है, और राज्य कितने हैं? 29। लोकसभा में
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें कितनी होती है? लोकसभा में होती है 20 सीटें, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को बना, और उस टाइम कितने थे? 14 राज्य थे, 6 संघ राज्य थे। भारत में एट प्रेजेंट कितने हैं? 29 राज्य है और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। अब संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप, पांडुचेरी, दिल्ली, ठीक है। वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है, तो यह है आंध्र प्रदेश। नई दिल्ली के रूप में हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था 69 संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, और ये 25वां राज्य बना था, ठीक है, भारत का 25वां राज्य। दीव और खंभात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है, तो ये सबसे पहले नागालैंड बना, हरियाणा बना, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर अंत में बना अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम कौन सा है? तो पहले सिक्किम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ बना, फिर झारखंड बना। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, ये आया था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश से। राज्य दिए गए हैं और उसके सामने उसके गठन का समय दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 हुआ था, भाषा के आधार पे बना था, ठीक है। हरियाणा 1966 में हुआ था, और हिमाचल प्रदेश का 1971, 25 जनवरी 1971 को गठन हुआ था, और सिक्किम का 1975 को। वैसे ही नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, मेघालय का 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम का 16 मई 1975 को, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को हुआ था। हरियाणा का 1966 में हुआ था, और महाराष्ट्र का 1960 में, राजस्थान का 1956 में। गोवा के बारे में फैक्ट है, गोवा को दमन और द्वीप से अलग किया गया था, ठीक है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, मतलब संघ शासित प्रदेश की सूची में था। ये उल्फा उग्रवादी संबंधित है किससे? असम से। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह है कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के बीच। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। अब भाषीय आधार पर भारत का सर्वप्रथम गठन किसका किया था? आंध्र प्रदेश का, ऊपर डिस्कस किया था, और कब किया गया था? ये 1953 में किया था, ठीक है फ्रेंड्स, 1953 में किया गया था, याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नागरिकता। नागरिकता से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे मैक्सिमम यहाँ दिए गए हैं। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, ठीक है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है एक तो जन्म द्वारा, या देशीकरण द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय
कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता है, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, या फिर एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। अब नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक अंतर्विष्ट किया गया है। इन्हें क्या विशेष दर्जा दिया गया है? ठीक है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ये किसे किया गया? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? वह है संसद। मूल अधिकार के बारे में जान लेते हैं। मूल अधिकार यदि संविधान में पूछा जाए तो कौन से भाग में है? नागरिकता की बात की तो भाग दो में थी नागरिकता, ठीक है, और अनुच्छेद पूछ लिए तो नागरिकता थी 5 से लेकर 11 तक। अब मूल अधिकारों की बात आई है। मूल अधिकार संविधान के भाग किस में है? 3 में है, भाग 3 में है, और अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद कहाँ से लेकर है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए है संविधान में? क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये लिए गए यूएसए से, ठीक है, यूएसए के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए किसकी रिपोर्ट लगाई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है किसको? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 19 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मतलब कि निलंबित होते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत है, अभी हमने डिस्कस किया था। अभी ये इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद कौन से में क्या दिया गया। जैसे अनुच्छेद 14 की बात की गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अब विधान विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ये लगाता है अनुच्छेद 14। अभी समानता का अधिकार संविधान के निम्न में से अनुच्छेद में से अंतर्गत आता है। अभी समानता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है, जिसमें 14 से लेकर सारे के सारे आते हैं, 18 तक आते हैं। अब शैक्षणिक संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े पिछड़ों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, ये की गई है अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। इसका कारण दिया गया है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासनिक की जाएंगी। तो ये क्या है, दोनों कथन क्या है, कथन और कारण क्या है, दोनों सही है, और जो कथन है वो इसका कारण भी सही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करता है, ये करता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार
निगमन करने हेतु सक्षम है कौन है? एक तो कौन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। दूसरा है जो 14, अनुच्छेद 14 के स्थान पर मिलाकर पढ़ना, ठीक है। और अनुच्छेद 16 भी क्या करता है, जो मौलिक अधिकारों को समान कार्यों के लिए समान वेतन के लिए प्रेरित करता है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत का संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया है, यह समानता का अधिकार के अधीन आता है। और समानता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 14 से लेकर 19 तक, 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में समानता के 5 अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं, यह है 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है, वो है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है, यह है अनुच्छेद 24। यहाँ बोल रहा है ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अभी ये भी बताया था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में किया गया, अनुच्छेद 17 में किया गया। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध किससे होता है? अनुसूचित जाति के सदस्यों के संदर्भ में होता है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है, तो क्या है? एक, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, या जन जागरण के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है वो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। छुआछूत से भी इसी में बताया गया, ठीक है, तो इसलिए इसमें रखा गया। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी। अब देखो ना, प्रेस की आजादी किस में दी गई है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है? ये दी गई है 19(1)(अ) में, ठीक है। भारतीय संविधान में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में दी गई है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। नागरिकता की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, वह है अवांछनीय आलोचनाओं के कारण। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, यह धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये किस में दिया गया है? ये 25 में दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखना है, अनुच्छेद 25 में दिया गया है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता के अधीन है, तो वह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार। सिखों द्वारा कृपाण धारण, ये अनुच्छेद 25 सभी डिस्कस कर दिया है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 23 में किसका है? मानव के दुरुपकार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या बोलते हैं? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। और 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के लिए प्रतिबंधन की स्वतंत्रता। अभी डिस्कस किया था कि मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध किसमें है?
23 में है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। और संवैधानिक उपचारों का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की रिट होती है। अल्पसंख्यकों को और अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो कहते हैं प्रस्तावना को। यदि क्वेश्चन ऐसे आए कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो कहा है आर्टिकल 32 को, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण कहाँ प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 30 में प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, वो है मौलिक अधिकार, मतलब कि रिट वगैरह जारी किया जा सकता है इस पे, ठीक है। 32 के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये उसमें प्रावधान दिया गया है, जैसे 16-2, इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 29-B में क्या किया गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इस में से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा सपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और 30-1 में किससे संबंधित है, ये सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंदीदा शैक्षणिक स्थानों को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 31-1 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब क्या हो गया कि अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया है, मतलब कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार का संरक्षण किसमें कौन करता है, न्यायपालिका करती है। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। अब बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी, ये थी पंचायती राज समिति, ओरिजिनल रिपोर्ट का पेश की थी 1975 में की थी रिपोर्ट, ठीक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है, ये सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि उच्चतम न्यायालय को। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, अभी हमने डिस्कस किया था, किसे कहा था, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा था। संविधान के अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो क्या है, दोनों ही कथन सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है, क्या कर सकता है, ये कर सकता है हैबियस कॉर्पस, तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, ठीक है। अब क्या है कि ये पहले से नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए, ठीक है। अब संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है ना, कौन से उसमें कहा था, ये उन्होंने केशवानंद भारती केस में कहा था। और क्या कहा था कि इस इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किसमें है, संविधान के अनुच्छेद 23 में। उपाधियों का निषेध है 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन है अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण दिया गया है 29 में। और शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार केशवानंद भारती वाद या केस में किया गया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत के प्रतिपादन किया है, वो क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है ना, पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया, ये किया गया 44वां संविधान संशोधन, जो हुआ था, कब हुआ था ये? ये हुआ था 1978 को, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है, वैधिक या कानूनी बोल सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है, वो क्या नहीं करता है? समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। सभी व्यक्ति को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। और सूचना का अधिकार कब से प्राप्त हुआ है? 2005 से। और ये सूचना का अधिकार किसमें है? ये मतलब कि मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है। सूचना का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ये है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, वो है व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, किसे दी है? आवास के लिए अधिकार या विदेशी यात्रा के लिए अधिकार? किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे वाक वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है, ठीक है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सी है? एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है, कौन कौन से है? एक भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो नागरिकों को भी उपलब्ध है, भारतीय संविधान द्वारा वह कौन सा अधिकार जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित किया गया है, वो किया गया अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 14 और 16। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, वो करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2)। भारतीय संविधान की मान्यता देता है, वो देता है धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्या है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है, ठीक है। ये कौन सा मूल अधिकार है? 11वां मूल अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार? 1 अप्रैल 2010 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कथन और कारण दिए गए। कथन पढ़ लेते हैं। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण दिया गया, एक प्रजातंत्र समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो जो ये दोनों बातें कह रहा है क्या है? सही है, ठीक है। और जो ए है उसका जो सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, ठीक है, जो आर जो इसका सही स्पष्टीकरण दे रहा है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, वो कौन सा है? वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, ठीक है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है, तो यह है पारसियों का। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को किसी को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। एक तो हो जाता है यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक स्थानों की स्थापना एवं संचालन कर सकता है। किसके थ्रू कर सकता है? अनुच्छेद 29 के थ्रू कर सकता है। यह संप्रदाय एवं समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वह प्रावधान है अनुच्छेद 20। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं सव अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, ये कहता है अनुच्छेद 20। विधि के समय प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? ये 22 प्रदान करता है। ये प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर अमूमन अधिनियम संसद में पारित किया गया था 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, ये किया गया है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। ठीक है, जो अधिकार है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना प्रकार के बिना परछाई के। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है? मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। यदि फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और जो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जितना उसके फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।